down over there. कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे. आज थर्सडे है और मैं अभी थोड़ा सफाई करने जा रही हूँ क्योंकि आज बारिश है. मैं किधर भी बाहर नहीं निकल पाई और मैंने सोचा है मैं आज एक से एक वीडियो बना दूँ, बहुत सारे लोगों को है ना थोड़ा मोटिवेशन कर लूँ. क्योंकि लंदन में है ना घर का अंदर का लाइफ है ना बहुत बहुत बोरिंग है, इंडिया का जैसा नहीं है. और मैं जब घर के अंदर ऐसा फंस गया तो, बारिश है ऐसा कुछ चीज़ में ना फंस गया तो मैं अपने आप कैसे एंटरटेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं और डिप्रेशन से ना भाग जाते हैं, वो सब आज का वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा. हमारा मलयालम में एक स्टोरी है नारायणत भ्रांतन, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो ना एक बार वो स्टोरी पढ़ो. नारायणत भ्रांतन, मैं ना नारायणत भ्रांतन का ना बहुत बड़ी फॉलोवर हूँ, इसलिए मैं कभी भी डिप्रेशन में नहीं चले जाती हूँ. हाँ, पहले जाती थी, अभी नहीं. और कल मैं ये पूरा बुक शेल्फ है ना साफ किया. वो दिखाने के पहले एक चीज़ बताती हूँ. सुबह मैंने ऐसा सोचा था बारिश है, आज का दिन गया है, वो अकेली भी नहीं जा पाई. लेकिन पता नहीं सुबह से इतना खुशखबरी मिल रहा है, लेकिन आज का ब्लॉग में वो नहीं शेयर करूँगी. आप लोगों के लिए थोड़ा सरप्राइज है. फिर पहला एक खुशखबरी है, फिर उसके बाद एक और खुशखबरी मिला है, वो संतोष आने के बाद है ना आप लोगों को बताती हूँ. क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ, पता नहीं आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं लास्ट जन्म में है ना कुछ अच्छा कर्म किया है इसलिए ऐसा हो रहा है, पता नहीं. फिर मेरा होता है ना वो एक्साइटमेंट में है ना थोड़ा मैं बातें थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं, हो जाते हैं मुझे. जब मुझे गुस्सा आ गया तो भी है ना ऐसा हो जाता है, मैं खुश हो गया तो भी है ना थोड़ा बातें थोड़ा ऐसे हो जाता है. अभी 12:45 हो गया, कैसे टाइम निकल गया मुझे नहीं मालूम है. खुशी को छोड़कर आ गई, मतलब टाइम कैसे गया मालूम नहीं. फिर हमारा इस साइड में एक नेबर रहती है, वो है ना उसका घर सेल किया है, वो ओल्ड एज होम जा रही है. अभी कोई नया यंग कपल आ रहा है इधर, शायद आ गया, आज आ गया, इसलिए वो सब कुछ बताने के लिए आई थी. थोड़ा दुख हुआ है लेकिन ठीक है, उससे इतने अटैचमेंट नहीं है हमारा, जैसा माइक के साथ होता है ना उतना अटैचमेंट नहीं है. और सबसे पहले है ना ये मंदिर का इधर मैंने चेंज किया है, कुछ नहीं वो प्लेट है ना वो थोड़ा चेंज किया है, पहले रेड कलर का था, अभी ये प्लेट है ना देखो इधर रखती थी और अभी ऐसा है. और बहुत सारा बुक सब मैं रखते थे भगवान का, वो सब मैंने ड्रॉयर के अंदर रखा है. फिर ऊपर देखो इधर चुंगसी का वो मेडल सब था, वो निकाल कर ये डाल दिया, ये मैंने प्राइमार्क से लिया था, आपको दिखाया था मैंने ये. और फिर ये बुक शेल्फ सारा, बाप रे कितना काम था मुझे. 2 बजे स्टार्ट हो गया, रात को 7 बजे, 7 बजे मैं कल डिनर बनाने के लिए गई. उतना टाइम तक मैं संतोष को बोलती हूँ थोड़ी बहुत बुक्स है ना डोनेशन में दे दो, लेकिन संतोष मुझे बुक टच करने नहीं देते, लेकिन वो साफ भी नहीं करते, मेरा काम है. क्योंकि बुक्स में है ना बहुत सारा डस्ट जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, और इसलिए कल का दिन कोई आया. हमारा है ना हमारा है ना ऑपोजिट वाला घर में है ना रूफ का काम चल रहा है. वो लोग उधर से देखा तो हमारा रूफ में है ना थोड़ा तोड़फोड़ हुआ है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले तूफान आ गया था ना उसी की वजह से, और मुझे ये मालूम ही नहीं पड़ा. अभी हाउस ओनर को बोलना पड़ेगा. कल का दिन है ना पूरा वो डेकोरेशन करने में टाइम चले गया, और आज मैं सोच रही हूँ हमारा ये मेन एंट्री एरिया है ना ये थोड़ा क्लीन करने के लिए. उसमें 2 इंटेंशन है, मेरा टाइम पास और संतोष जब आ गया था ना उसको थोड़ा सरप्राइज देने के लिए. संतोष है ना सरप्राइज नहीं होगा, वही तो प्रॉब्लम है. देखो ये है ना, ये जब मैं पहली बार खरीदा और इधर ऐसा वाइट और रेड मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन रखा, मैंने सोचा संतोष ऑफिस से आकर बोलेंगे वाह अंजू क्या मतलब अच्छा डेकोरेट किया है, लेकिन संतोष आकर वो देखा भी नहीं, मैं पीछे पड़ गई कैसा है कैसा है. उसने बोला क्या है, एक लेडी अम्ब्रेला पकड़कर खड़ी है उसमें क्या है.
कुछ खास नहीं है, लेकिन जब आप लोग और मेरा इधर का कुछ दोस्त लोग है उन लोगों ने बोला अंजू ये पिक्चर किधर से खरीदा है, बहुत सुंदर है, तब तो बोला हाँ बहुत अच्छा है अंजू, बहुत अच्छा है, ऐसा है। लेकिन मुझे इच्छा है उसको थोड़ा सरप्राइज देने के लिए। मैंने वो बुक शेल्फ इधर ला कर रखा है और स्टेयरकेस भी पूरा साफ किया। स्टेयरकेस पहले साफ किया है क्योंकि नहीं तो बाद में साफ किया तो ना पूरा डस्ट इधर आ जाएगा, फिर से वो साफ करना पड़ेगा। और अभी है ना कोई आइडिया नहीं है, एकदम ब्लैंक हो गया। क्या करूँ क्या करूँ, वापस उसी जगह पर रखूँ और इधर कुछ करूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है। जितना भी मेरे पास डेकोरेट करने के लिए वो सब इधर लेकर आकर रखा है। अभी देखती हूँ, पहले ये बेडरूम में था वो उठाकर इधर रखने जा रही हूँ। और ये प्लांट इधर रख लेती हूँ, और ये बास्केट, देखो मैंने ये ऐसे ही रखा है, पता नहीं अच्छा है नहीं मालूम नहीं, क्योंकि इतना ही सामान है मेरे पास। ये प्राइमार्क से लिया था, ये प्लान विल्को से लिया था, और ये बेडरूम में पड़ा था वो इधर आकर रखा है। और अभी नीचे क्या रखूँ, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने ये देखो ये बहुत गंदा लग रहा है अभी, क्योंकि ये बहुत 100 ईयर से पुराना वाला घर है, इसलिए ना जल्दी जल्दी सब निकल के ऐसा टूटा फूटा हो रहा है। पहले मैंने सोचा था सिर्फ यही एक बुक शेल्फ रख ले तो काफ़ी है, लेकिन ये डोर के उधर ना पूरा टूटा फूटा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, इसलिए फिर से ये रखना पड़ेगा उधर। हाँ खराब नहीं है, अच्छा है। घर का हालत अभी थोड़ी बहुत ऐसा है, उधर थोड़ी बहुत क्लीन हो गया। अभी मैं है ना थोड़ा श्रीखंड खा रही हूँ, ये श्रुति मुझे बनाकर दिया था, बहुत टेस्टी है, और मुझे मालूम ही नहीं था ऐसा कुछ श्रीखंड करके कुछ चीज़ है, बहुत टेस्टी है। श्रुति मैं श्रुति का नाम बोला श्रुति है नहीं, मैं आपका श्रीखंड के बारे में बोल रहा था नहीं, देखो श्रुति भी आया, अभी मेरा टाइम पास भी हो जाएगा, क्योंकि अभी बच्चे लोगों को स्कूल है ना अभी छोड़ने वाला है, देखो ऐसे ही टाइम पास होता है। हाँ बिना बताए आ गई नहीं, अच्छा लगता है, लेकिन घर देखो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा है ना क्लीनिंग कर रहे थे, मतलब कोई बात नहीं, आ जाओ। और आपका ही श्रीखंड का ही बारे में बात कर रहे थे देखो फिनिश हो गया मेरा तो कब का फिनिश हो गया
है ना, इतना अच्छा लगा, ज्यादा टाइम नहीं था, 10-15 मिनट ही था। हेलो पूजा का करना, सॉरी आई केप्ट इट दैट, हां स्टॉप, इट्स ओके। हाँ, श्रुति आने के बाद इतना अच्छा लगा, हम लोग चाय पिया है, मैंने श्रीगर नहीं खाया है, चाय पिया है, बहुत अच्छा लगा था। 10-15 मिनट ही था लेकिन उतना टाइम काफी है, बहुत अच्छा लगा है। और श्रुति को बहुत पसंद आ गया, मेन एंट्रेंस का डेकोरेशन है ना, बहुत पसंद आ गया। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ डिनर, डिनर में एक करी है लेकिन एक और चीज मैं बना रही हूँ, ये है पोहा। पोहा है ना, एक 2-3 मिनट पानी में सोख कर रखा है, फिर उसके अंदर का पानी है ना वो निकल रहा है। वड़ा बनाने जा रहे हैं, पोहा वड़ा है ना वो बनाने जा रहे हैं कल खुशी को लंच बॉक्स में देने के लिए, क्योंकि कल मेरे पास शायद टाइम नहीं होगा, कल वीडियो डालना है ना एडिटिंग के लिए बहुत टाइम लगता है, आजकल मैं 12 बजे वीडियो डाल रहे हैं, इसलिए पोहे से पानी सब निकाल कर रखा है। और अभी इसमें डालना है ओनियन, ओनियन थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया तो भी है ना टेस्टी है, ग्रीन चिल्ली, जिंजर, 1 टीस्पून राइस फ्लोर और 1 टीस्पून सूजी, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, हल्का सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा 1 पिंच हींग, सॉल्ट, 1 टीस्पून योगर्ट भी ऐड करना है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसका भी एक गोल बनाना है और ऐसे एक होल डालना है, एक होल डाल दिया, अभी इसको फ्राई कर लेते हैं। पोहा वड़ा इधर रेडी हो गया, देखो बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम नरम है। और इधर डिनर का भी तैयारी हो रहा है, और फ्रंट रूम आप लोग को दिखाती हूँ, अभी वैक्यूम करना बाकी है। और देखो इधर थोड़ा बहुत ऐसे डेकोरेट किया है, लेकिन मुझे ये इतना ना ठीक ठाक, मतलब कुछ और करना है इस एरिया में, यह सब हटाकर कुछ और रखना है, लेकिन मेरे पास अभी यही था, ये स्टोन रखा है ना, ये सब खुशी का आइडिया है। और इधर भी अभी साफ़ करना है, उधर नहीं हो पाया। ये एरिया है ना, देखो ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा है, And it looks pretty. और ये बास्केट है ना, ये डेली संतोष को कुछ ना कुछ लेटर आते हैं ना, वो इसमें ही रखेगा, फिर संतोष देख रहे हैं ना फिर निकालेंगे। This? हाँ वो सब है, वो सब आप लोग पहले से देखा होगा। This was upstairs and here. This. और can I be here? हम लोग का डिनर सब हो गया, अभी सोने का तैयारी कर रहे हैं, 10:15 हो गया। सोने के पहले है ना थोड़ा ये लगाना, जरिंग गार्नियर का फेस मास्क है ना, देखो फेस मास्क, पहली बार ये गार्नियर का मैं यूज कर रही हूँ, उसके पहले एक कोरियन मास्क था, बहुत टाइम से वो यूज कर रहे थे, लेकिन अभी मुझे वो अमेज़न में नहीं मिला था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन ये अभी पहली बार ओपन किया उसके अंदर, क्योंकि आज बहुत सारा डस्ट है ना मेरे हाथ में भी, देखो इधर पता नहीं इधर है ना पूरा कट हो गया अभी डस्ट की वजह से, और इधर भी है ना पूरा राशेस आ गया। ओके डैडी, आप लोग है ना पोहा वड़ा एक बार ट्राई करना, बहुत टेस्टी है। ओके आई वॉश माय हैंड्स स्ट्रेट आफ्टर दिस। मक्कल कई लाने के पिनेंट मुहतुम बैठो। ओ इसमें दो है, अभी ये कौन सा अंदर का है, ये होगा। सो वेट कैन आई शो, दिस इज द आईज, दिस इज द नोज, दिस इज द माउथ। ओके अम्मा दिस इज द नोज, so this is what it actually looks like. I'll describe now. So it's basically the same thing, but like blue, and it's not on her face. So these are the eyes, and this is the nose. इसमें लिखा है 15 मिनट रखना है, अभी हम लोग एक मूवी देखने जा रहे हैं, कौन सा था, सुपरमैन नहीं, सारा हीरो से जस्टिस लीग। और एक्चुअली आज मैं ना ये लिविंग रूम का नहीं था, पूरा बेडरूम का साफ करने सोच रहा था, पूरा संतोष का और मेरा कपड़ा वार्डरोब से ना बाहर निकल कर रखा है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, बुक शेल्फ स्टार्ट किया तो ठीक है, पूरा संतोष को एक सरप्राइज दे देते हैं,
लेकिन संतोष है ना, कल का वीडियो से सब देखेगा वो, फिर सरप्राइज सरप्राइज ही नहीं रहेगा। और कल मैं और श्रुधि जाकर किंगस्टन से ना कुछ लेकर आएंगे उधर रखने के लिए, मैंने श्रुधि को भी बोल दिया। और क्या है, अभी 15 मिनट वेट करना है मुझे। नारायण त्रिवरांधन मेरी है ना मम्मी, मेरी माँ और नानी ने वो नाम दिया था, क्योंकि बचपन से ऐसा है, मैं ना काम डेली डेली है ना कुछ ढूंढ कर है ना करते रहता है। लेकिन अब है ना लंदन में आने के बाद है ना बहुत यूजफुल हो गया, नहीं तो है ना ऐसे संतोष अगर ट्रैवल में जाते हैं और होता ना कभी कभी बहुत बोर हो जाते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बोर नहीं होता है। और बच्चे भी थोड़ा मिस्सी करने का बच्चे लोग है ना, इसलिए बोर नहीं लगता है मुझे अभी। फिर अभी श्रुति भी आ गया तो ना और अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। मैं आप लोग को, मैं नहीं बोल रहा आप लोगों को, आप लोग पूरा घर साफ करने के लिए, आप लोगों को क्या पसंद, मुझे है ना ऐसे क्लीनिंग करना बहुत पसंद है इसलिए मैं वो कर रही हूँ। आप लोगों को क्या है, बुक रीड करना पसंद है, नहीं तो मूवी देखना पसंद है, आपको क्या पसंद है वो कर लो, लेकिन मुझे है ना वो सबसे है ना क्लीनिंग किया तो ना टाइम पास होता है और दिल खुश हो जाता है मेरा। ठीक है, अभी एक कमेंट रीड कर लेती हूँ और उसके बाद मेरा ब्लॉग एंड करूँगी। चुंगसी ओम जय यादविन गणनम। पहला कमेंट है ग्रैंडमा रसोई का, उनका दो कमेंट है। हाय अंजू, माय डॉटर लव्स योर ब्लॉग्स, प्लीज टेक हर नेम इन योर नेक्स्ट वीडियो, शी विल बी हैप्पी, हर नेम इज अडीबा। हाय अडीबा, और आपने एक और कमेंट में आपका नाम भी दिया था, माय नेम इज आयशा शेख। हाय आयशा, कैसे हो? मैं हंस रही, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं हंस रही मतलब आपको देखकर स्माइल कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट कमेंट है तबासुम सबुन वाला। हेलो डियर, हाउ आर यू? चुंगसी एंड खुशी बोथ आर नोटी। हाँ, वो आप ठीक बोला है, बट आई लव बोथ ऑफ दम, चुंगसी हैंडसम ड्यूड एंड खुशी क्यूटी पाई, थैंक यू सो मच। सुजाला शेट्टी, हाय, आई लव योर व्लॉग्स, प्लीज टेल चुंगसी टू टेल हाय टू मी, विल ऑलवेज सपोर्ट यू। हाय, चुंगसी ने हाय बोल दिया। 15 मिनट हो गया, मैं ये निकाल देती हूँ। देखो मतलब निकले, अभी मसाज करना है मी। ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा है, पहले वो कोरियन वाला शीट में है ना इतना नहीं था। हाँ ठीक है, मसाज करते रहते हैं, मूवी देख रहे हैं ना। देखो मसाज किया, पूरा वो अब्सॉर्ब हो गया, अच्छा है। गार्नियर का भी है ना कुछ खराब नहीं है, ठीक ठाक है। हाँ, और अभी हम लोग मूवी देखने जा रही हूँ, ज़्यादा नहीं है, एक 20-25 मिनट्स, तब तक हम लोग को नींद आएगा, फिर हम लोग सो जाएंगे। कल इन लोगों का छुट्टी शुरू हो रहा है, टाइम ब्रेक शुरू हो रहा है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, दोपहर तक ही है स्कूल। ठीक है, मेरा व्लॉग मैं इधर एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।